जो आज चौटाला वाले ग्रुप में हाईकोर्ट की अपील प्रोनाउंसमेंट के लिए लगी हुई थी और आज जजमेंट प्रोनाउंस हो गई है और इस प्रोनाउंसमेंट में एक्यूज नंबर A1 से लेकर 62 तक ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस कर दी है और उसमें एक्यूज नंबर A6 से लेकर एक्यूज 62 तक सबके लिए जो कन्विक्शन है वो तो अपहोल्ड करी है, लेकिन जो सेंटेंस है वो रिड्यूस करके 2 साल की सबके लिए कर दी है अंडर डिफरेंट सेक्शंस 13(1), 13(2) में भी, 13(1)(d) में भी, 120(b) में भी, 418, 471 और 468 इन सब में प्रोनाउंसमेंट जो कन्विक्शन के बाद जो सेंटेंस रिड्यूस करी गई है वो 2 साल की कर दी गई और उसको कंकरेंट होल्ड कर दिया गया है। और जहां तक A1 to A5 जहां तक जो चौटाला जी के वालों का ग्रुप है उसमें कोर्ट ने जो नीचे वाली 10 साल की कन्विक्शन है, कन्विक्शन और सेंटेंस को अपहोल्ड किया है और सारी अपीलों को वैसे डिसमिस कर दिया गया है। यानी कि डिसमिस करने का मतलब ये हुआ कि सारी अपीलों में कन्विक्शन को तो अपहोल्ड कर दिया गया है, लेकिन जहां तक सेंटेंस का है सेंटेंस को वेरी किया गया है डिफरेंट अक्यूज के लिए, जिसमें A1 से A5 तक के लिए जो कन्विक्शन को अपहोल्ड करते हुए सेंटेंस को वही रखा है जो नीचे वाले कोर्ट ने दी है, लेकिन बाकी जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स थे उनके लिए कोर्ट ने सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया है 2 साल के लिए। अब ये जजमेंट प्रोनाउंस हो गई है और ये कोर्ट ने कह दिया है कि बेल बॉन्ड कैंसिल हो गए हैं और सभी को सरेंडर करना है। जिनकी सेंटेंस 2 साल पूरी हो जाएगी वो तो ऑलरेडी अंडरग्राउंड तक हो जाएंगे, लेकिन जिनकी 2 साल पूरी नहीं होगी उनको सजा काटने के लिए बाकी जेल में जाना पड़ेगा। नीचे वाले कोर्ट ने 10 साल की करी थी, उनकी 10 साल की ही बरकरार रखी है। सिर्फ बाकी दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के टीचर्स थे सिर्फ उनके लिए सेंटेंस को रिड्यूस करके 2 साल कर दिया। जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद इमीडिएटली कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि अक्यूज हैव टू सरेंडर, तब इनको सरेंडर करके रिमेनिंग सेंटेंस को अंडरगो करना पड़ेगा। जो अक्यूज नंबर 1 से 5 ओम प्रकाश चौटाला जी, अजय चौटाला जी हैं, उनके वही जो सेम 10 साल की सजा वो बरकरार रखी है। बाकी जो मुजरिम है उनकी सजा कम की है, 2 साल तक की है, जो टीचर्स वगैरह हैं, लेकिन अपील सभी मुजरिम की डिसमिस कर दी है। केवल क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे कुछ मुजरिम को रिहात दिया हाईकोर्ट ने। तो इस फैसले को हम देखने के बाद हम इसकी सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे।